गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 3 अपवाह तंत्र का दूसरा भाग। तो इस भाग को आरंभ करने से पहले, जैसा कि मैंने आपसे प्रश्न पूछा था पहले भाग में, कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह एक नदीय द्वीप बनाती है, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, तो उसका उत्तर क्या है। आई होप कि आपको आंसर पता होगा, तो उसके आंसर के बारे में चर्चा करते हैं। तो वो उत्तर है मजुली द्वीप। मजुली नदीय द्वीप जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जहाँ पर कि लोग जो है वो निवास करते हैं, या आसाम में स्थित है। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। इससे पहले हमने किया था हिमालय नदियों के बारे में। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या हैं उसके बारे में देखते हैं। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ वो नदियाँ हैं जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठार इस तरह का पठार है, उसका जो पश्चिमी घाट है, जो अरब सागर के नज़दीक है, पश्चिमी घाट से निकलकर यह बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। सभी के सभी नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। केवल दो नदियां इसका अपवाद हैं, इसका उल्टा बहती हैं, जो कि अरब सागर में गिरती हैं और पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। उनका नाम है नर्मदा और तापी। इसके अलावा चार मुख्य नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये चारों नदियां जो हैं यह पश्चिमी घाट से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और गिरने से पहले यह सभी नदियां जो हैं डेल्टा बनाती हैं। आइए इस मानचित्र की सहायता से अब देखते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें प्रायद्वीपीय जो है सभी नदियां बनी हुई हैं। इसमें से जो पूर्व की ओर बहने वाली हैं वो है नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, और जो पश्चिम की ओर बहती हैं उसमें है नर्मदा एंड तापी। ये दो नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, बाकी सभी नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इनके बारे में हम वन बाय वन स्टडी करेंगे, तो आइए देखते हैं। सो बच्चों, सबसे पहले जो नदी आती है वो आती है महानदी। महानदी जो है छत्तीसगढ़ हाईलैंड से निकलती है। छत्तीसगढ़ में एक उच्च भूमियाँ हैं, वहाँ से यह नदी निकलती है। यह इसका उद्गम स्थान है और लगभग 860 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और इतनी लंबी यह बहने के बाद बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। कौन कौन से अपवाह तंत्र इसके राज्य में आते हैं, वो हैं उड़ीसा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ और झारखंड में इसके अपवाह तंत्र जो हैं वो फैले हुए हैं। जो दक्षिण भारत की दूसरी मुख्य नदी है उसका नाम है गोदावरी। तो सबसे पहले तो इसका नाम, एक और नाम से इसे भी जाना जाता है, यह वन मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है, इसका दूसरा नाम है दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो दक्षिण यानि साउथ की, गंगा यानि कि लंबी नदी, क्योंकि उत्तर भारत की और भारत की सबसे लंबी नदी का नाम गंगा है। अब बच्चों कंपैरिजन करिए, गंगा की कितनी लंबाई है और गोदावरी की कितनी लंबाई। तो गंगा की लंबाई मैंने आपको बताया था 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है ना। तो इसकी लंबाई है 1500 किलोमीटर। गोदावरी की कुल लंबाई 1500 किलोमीटर, जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और ये जो है महाराष्ट्र से निकलती है और फिर उसके बाद बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। और इसकी जो मुख्य सहायक नदियाँ हैं, पर्णा, इंद्रावती, मंजरा, मिंदुरा और सबरी, इसकी जो है मुख्य सहायक नदियाँ जो इसका अपवाह तंत्र बनाती हैं। जो बच्चों दूसरी मुख्य नदी है महानदी के बाद, उसका नाम है कृष्णा। तो कृष्णा कहाँ से निकलती है? कृष्णा मुख्यतः जो है महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत है, जलप्रपात है, वहाँ से यह निकलती है। और इसकी जो कुल लंबाई है वह 1400 किलोमीटर है। उसके बाद यह बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। और जो इसका अपवाह तंत्र है वो मुख्यतः नदियाँ जो सहायक नदियों फैली हुई हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में ये फैली हुई हैं। जो बच्चों तीसरी मुख्य नदी है उसका नाम है कावेरी। और कावेरी जो है ब्रह्मगिरी पर्वत के निकट वेस्टर्न घाट में है जो स्थित है, वहाँ से निकलती है और कैडलोर के साउथ में होती हुई है, तमिलनाडु से होती हुई यह जो है बे ऑफ बंगाल में
गिरती है। इसकी कुल लंबाई जो है 760 किलोमीटर है और इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी, हेमावती और कामिनी। तो बच्चों ये तो चार मुख्य नदियां थी जो पश्चिम से जो वेस्टर्न घाट से निकलती थी, पश्चिमी घाट से निकलती थी और बे ऑफ बंगाल में गिरती थी। इसके अलावा दो ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, उनका नाम है नर्मदा और तापी। तो सबसे पहले हम देखेंगे नर्मदा के बारे में। तो नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक हिल्स जो है वहाँ से निकलती है और पांचवी जो है यह इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सबसे लंबी जो है वो नदी है और इसे जो है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह नदी जो है वहाँ के जो एग्रीकल्चर है, जो कृषि क्षेत्र है उसको जो है इरिगेट करती है, उसको पानी प्रोवाइड करती है। अगर यह नदी नहीं होती तो इरिगेशन नहीं होता और जो कृषि भूमि है वहाँ पथरीली भूमि होने के कारण ज़्यादा पैदावार नहीं आनी थी। और जो है नर्मदा इज़ ओल्डर देन द गैंजेस, गंगा से भी यह पुरानी है और बहुत इसलिए ओल्डर नदी भी से कहा जाता है। जो दक्षिण भारत की दूसरी मुख्य नदी है जो अरब सागर में गिरती है उसका नाम है तापी नदी। सो तापी नदी जो है वह सतपुड़ा रेंज से निकलती है, सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है, पश्चिम की ओर बहती हुई सतपुड़ा जो पहाड़ी उसके पैरेलल बहती है, बिल्कुल उसके समानांतर बहती है और रिफ्ट घाटी में से, घाटी बहुत गहरी घाटी है ये, रिफ्ट घाटी होती है वहाँ से बहती हुई अरब सागर में जाकर गिरती है। और जो तापी नदी है इसकी जो कुल लंबाई है वो 730 किलोमीटर है और इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं साबरमती, माही, भारतपुज़ा और पेरियार। तो बच्चों ये तो हो गया कि दक्षिण भारत की नदियाँ, अब इनको याद कैसे करोगे? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बहुत ही सिंपल एक फार्मूला मैंने बनाया है वो मैं आपको बताता हूँ। उस फार्मूले के द्वारा आपको ये कभी भी नहीं भूलेगा, जैसे मैंने उत्तर भारत की नदियों के बारे में भी बताया था वो फार्मूला। आई होप कि वो फार्मूला आपको याद होगा। एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूँ कि इंडिया जीते कप, रन बनाए सचिन, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। तो इस तरह से एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, एक ऑर्डर में जो है रिवर आपको याद हो जाएगी। वैसे ही साउथ इंडिया की जो चारों नदियों का भी ऑर्डर है तो वो मैं आपको यहाँ पर लिख कर बताता हूँ। जैसे एम फॉर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो इसे कैसे याद रखेंगे? एम से याद रख लेना मुझे ज्योग्राफी कराते कर्नेल, जैसे मेरा नाम है सर। ठीक है बच्चों, ये बहुत आसान फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? मुझे ज्योग्राफी कराते कर्नेल सर। एम फॉर महानदी, जी फॉर गोदावरी, के आर से कृष्णा, के ए फॉर कर्नेल से कावेरी। तो मुझे ज्योग्राफी कराते कर्नेल सर। तो ये आपको कभी भी नहीं भूलेगा। आप दूसरों को भी बता सकते हो कि किस तरह दक्षिण भारत की चार मुख्य नदियों को हम याद कर सकते हैं। और इसके अलावा दो जो अन्य नदियाँ थी, महानदी और तापी, वो पश्चिम की ओर बहती हैं। तो बच्चों इस तरह हमारा यहाँ पर जो है जो हिमालय की नदियाँ और जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ हैं वह ख़त्म होती हैं। तो अब हम इन दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को कंपैरिजन आता होगा। एक छोटे से इस स्लाइड में हम देखेंगे क्या क्या कंपैरिजन हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, दिस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम ग्लेशियर एंड दिस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम प्लेटू। जो हिमालय की नदियाँ हैं ये ग्लेशियर से उत्पन्न होती हैं, बर्फ़ पिघलती है तब ये नदियाँ बनती हैं, और जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं ये पठारों से निकलती है। ठीक है बेटा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, कैचमेंट एरिया इज़ वेरी लार्ज। इनका जो प्रवाह तंत्र बहुत बड़ा है। जैसे हमने गंगा नदी देखी थी उसकी जो सहायक नदियाँ थी वो उत्तर भारत से भी आ रही थी और दक्षिण भारत से भी आ रही थी, बहुत दूर दूर से आ रही थी और उनमें बहुत पानी था। तो इनका जो कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा होता है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों का कैचमेंट एरिया बहुत छोटा होता है क्योंकि इनकी सहायक नदियाँ भी बहुत छोटी होती हैं।
इंगेज इन हाई इरोजन, जो हिमालय की नदियाँ हैं, जब हिमालय से ये नदियाँ निकलती हैं तो बहुत ज़्यादा इरोजन यानी अपरदन करती हैं अपने साथ, गाद मिट्टी पत्थर कंकड़ जो है वो लेकर आती हैं, जबकि जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ हैं यह इरोजन एक्टिविटी कम करती हैं। दूसरा है कि हिमालय की नदियाँ इरिगेशन के लिए यूज़फुल होते हैं, सिंचाई की व्यवस्था इनमें होती है, जबकि दक्षिण भारत में पानी कम होने के कारण कम सिंचित होती हैं। और नेक्स्ट है परनियल, परनियल मतलब ये सारा साल बहती रहती हैं, जबकि हम देखते हैं कि जो साउथ इंडिया की कुछ रिवर्स ऐसी हैं जो सिर्फ बरसात में ही फ्लो करती हैं। इसका एक एग्जांपल लूनी नदी है, लूनी नदी जो है सिर्फ राजस्थान से फ्लो करती है और जो है अरब सागर में गिरती है, सिर्फ वो बरसात आने पर ही उसमें पानी होता है। उदाहरण आपको पता ही है, हिमालय नदियों के उदाहरण जो है सिंधु ब्रह्मपुत्र और गंगा, ये हम कर चुके हैं। और जो प्रायद्वीपीय नदियों के उदाहरण है आपका महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और तापी, आप लिख सकते हैं इसमें। तो इसी नदियों में अपवाह तंत्र में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडियन लेक। हमने लेक के बारे में जानना है तो सबसे पहले देखते हैं कि ये लेक होती, तो व्हाट इज़ लेक। लेक इज़ अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विदिन अ बॉडी ऑफ लैंड, मतलब एक भूमि है उसका एक गहरा भाग है, अगर ये गहरा भाग पानी से भर जाता है, पानी से भरा हुआ गहरा भाग जो चारों ओर से लैंड पार्ट से यानी भूमि से घिरा होता है उसे हम लेक या झील कहते हैं। और पौंड अलग चीज़ है, ये झील होती है जो गहरा भाग होती है, ठीक है बच्चों। और जब ये झील बड़ी होती है, ये बहुत ही बड़े आकार की भी हो जाती है, जब ये बहुत बड़े आकार की हो जाती है तब हमें इसे सी भी कहते हैं। और जो है लेक का क्या महत्व है, लेक जो है नदियों का उद्गम स्रोत भी होती हैं, जैसे हमने देखा था। अब बताइए कौन सी नदी का उद्गम स्रोत झील है। हाँ बिल्कुल सही, आप सोच रहे हो अपने दिमाग में, जो हमारी सिंधु नदी है, जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, इनका जो उद्गम स्थान है, और सतलुज नदी भी, इनका उद्गम स्थान मानसरोवर झील ही है। तो झीलों का बहुत महत्व है। ए लेक हेल्प टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ ए रिवर, रिवर के पानी को सहायता करती है लगातार बहने के कारण। ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल इट प्रिवेंट फ्लड, जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो पानी इसमें इकट्ठा रहता है, पानी बाहर नहीं जाता है, तो ये फ्लड को भी बचाती है। और जब ड्राई सीज़न होता है, जब गर्मियों का सीज़न होता है, तो ये नदी के पानी के लिए स्रोत, अच्छा स्रोत होती है, इससे फिर पानी जो है निकलकर नदियों के लिए प्राप्त होता है। और यह जो है इट कैन बी यूज फॉर हाइड्रो पावर जनरेशन, जल विद्युत भी इससे हम पैदा कर सकते हैं। दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ सराउंडिंग, जहाँ पर भी लेक होगी उसके आसपास का जो वातावरण होगा, जो तापमान है वो कम होगा, सम तापमान होगा, तो यह उसकी इम्पोर्टेंस है। और ये एक्वाटिक इकोसिस्टम, मतलब कि इसमें जो है जलीय जीव भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और इस लेक को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, इसलिए यहाँ जहाँ भी लेक होती है वहाँ पर टूरिस्ट एक्टिविटी जो है वो बहुत अच्छी तरह बढ़ती है, लोग देखने के लिए आते हैं। अब बताइए बच्चों आपके आसपास कौन कौन सी लेक है, आप देखिए और देखिए कि कितने सारे टूरिस्ट देखने के लिए आते हैं। लेक को हम मुख्यतः दो प्रकार में बांट सकते हैं, एक मानव निर्मित लेक और एक प्राकृतिक लेक। प्राकृतिक लेक जो अपने आप पहाड़ों के ऊपर बनी होती है, और मानव निर्मित लेक वो होती है, झील वो होती है जिसे मानव खुद बनाता है किन्हीं कारणों से। तो जैसे हमारे यहाँ पर नज़दीक जो है हम कह सकते हैं गोविंद सागर लेक, जो हिमाचल और पंजाब की बाउंड्री पर बनी हुई है, ठीक है, इसे हम ये मानव निर्मित लेक है, तो इससे बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। और बाकी हम लेक्स के बारे में देखें, जो भारत की टॉप 10 लेक्स हैं उनके बारे में देखते हैं हम। सबसे पहले देखिए वूलर लेक जो है वो हमारे पास जो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, लोकटक लेक आप देख सकते हैं, जो हमारे पास मणिपुर में लोकटक लेक, दमदमा लेक जो है हमारे पास राजस्थान और यूपी के बॉर्डर में, डल लेक श्रीनगर, पिचोला लेक हमारे पास जो है राजस्थान में, उसके बाद गुरुदोंगमार लेक जो है हमारे पास सिक्किम में है, उसके बाद चिल्का लेक जो हमारे पास उड़ीसा में है,
वेम्बनंद लेक जो है केरला में है, भीमताल लेक उत्तराखंड में, और अपर लेक जो है जो हमारे पास मध्य प्रदेश इसमें स्थित है। आइए बच्चों कुछ लेक के चित्र देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए लोकटक लेक, ये देखिए बच्चों चिल्का लेक, ये डल लेक, ये नैनीताल लेक। तो ये कुछ लेक्स। आगे जो हम देखेंगे कि वो है कि जो है आर्थिक महत्व क्या है एक देश के लिए नदियों का। तो जैसे कि आप सबको पता है इतिहास में हम पढ़ते हैं कि जो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता है वो भी नदी किनारे ही बसी थी। नदियों का बहुत महत्व है, जो इन्वेडर्स आए वो भी नदियों के किनारे आकर बस गए। तो इसको जीवन रेखा कहा जाता है किसी भी देश की। तो हमारे भारत में हमने देखा, उत्तर भारत में भी, दक्षिण भारत में बहुत सारी नदियाँ हैं। तो ये नदियाँ हमारे लिए किस तरह उपयोगी है, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए किस तरह उपयोगी है। सबसे पहले तो एग्रीकल्चर यूज़ और इंडस्ट्रियल यूज़। हमारे जो एग्रीकल्चर है, हमारी खेती बाड़ी है, उसके लिए हमें जल विद्युत जल प्रदान करती है। और जो इंडस्ट्रीज़ है, जो हमारे उद्योग हैं, बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं जो जल के ऊपर निर्भर कहते हैं। जैसे कि हमारे पास कागज़ उद्योग हो गया, आयरन एंड स्टील उद्योग हो गया, इनमें पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। दूसरा हम देख रहे हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन, नदी जल जो जहाँ से जाता है हम उसे प्राकृतिक रूप से भी और मानवीय रूप से भी रोक कर जो है हम विद्युत उत्पादन करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फ्लड प्लेन, नदियों के द्वारा जो है बाढ़ के मैदानों का निर्माण होता है, और इससे सबसे उत्तम उपजाऊ मिट्टी जिसका नाम है जलोढ़ मृदा वो हमें मिलती है। इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन, बच्चों जैसे कि हमारे पास रोड ट्रांसपोर्टेशन है, आपने नेशनल हाईवेज़ के नाम सुने होंगे। जैसे दुनिया, सॉरी, भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है नेशनल हाईवे नंबर 7, वाराणसी टू कन्याकुमारी। ठीक है बच्चों, ऐसे ही क्या आपको पता है नदी के ऊपर भी नेशनल वाटरवेज़ बने हुए हैं, नेशनल वाटरवेज़ नंबर 1, नेशनल वाटरवे नंबर 2, इस तरह से और भी हैं। मतलब कि नदी के ऊपर भी जलीय यातायात होता है, ये उसके लिए मदद करती हैं। और लास्ट है वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज़, हमारे घरेलू उपयोग के लिए तो ये हमें मिल ही जाता है। लेकिन बच्चों आज एक बहुत बड़ी दुखद बात यह है कि जो हमारी नदियां हैं वो प्रदूषित होती जा रही हैं, उनका जो जल है अब उपयोग करने के लायक नहीं रहा है। तो अगला टॉपिक जो है हमारा इसी के ऊपर है, इसको पढ़ेंगे हम, नदियों में प्रदूषण। द ग्रोइंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर डिमांड फॉर वाटर फॉर रिवर अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर। मतलब पानी की क्वालिटी को जो है वो खराब कर रहे हैं। कैसे, जो हमारे घरेलू उपयोग की जो ज़्यादा से ज़्यादा हम जैसे उपयोग करते हैं, उद्योगों में उपयोग करते हैं, हम सिंचाई के लिए उपयोग करते हैं खेती बाड़ी में, तो उसकी जो क्वालिटी है वो कम होती जा रही है। हम ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग इन क्षेत्रों में करते जा रहे हैं। मोर एंड मोर वाटर इज़ बींग ड्रेन्ड आउट ऑफ दैम रिड्यूसिंग देयर वॉल्यूम। उसका जो है वॉल्यूम जो है वो कम हो गया है। ये देखिए यहाँ रिवर यमुना का एक चित्र है जो कि पॉल्यूट हो जा रही है। ये देखिए जो फैक्ट्रियों से और जो शहरों से निकलता हुआ जो है गंदा पानी है वो नदी में छोड़ा जा रहा है। और दूसरी क्या बात है कि ऑन द अदर हैंड ए हैवी लोड ऑफ अनट्रीटेड सीवेज वाटर इज़ बीइंग ड्रेन्ड इनटू द रिवर। ये देखिए जो जो हमारा सीवरेज सिस्टम होता है, हमारे शहरों का जो गंदा पानी है वो भी हम जो है नदियों में छोड़ देते हैं, जिससे नदियों का जो पानी की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है। दिस इफेक्ट बोथ क्वालिटी एंड रिड्यूस द सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी। एक तो उसकी क्वालिटी ख़राब हो गई, दूसरा उसको जो क्लीन किया जाता है उसमें की कैपेसिटी भी जो है वो कम हो गई है। अब देखिए जो ज़्यादा से ज़्यादा अगर गंदा पानी उसमें आता रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूशन उसमें होता रहेगा, तो उसको जो साफ़ करना वो बहुत इम्पॉसिबल सा काम हो जाता है। और इसको साफ़ करने के लिए समय समय पर गवर्नमेंट भी अच्छे एफर्ट करती है। जैसे कि आपने देखा हो कि गंगा एक्शन प्लान जो है वो भी बनाया गया है, गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को साफ़ करने के लिए नर्मदा बचाओ अभियान भी चलाया गया था। तो इस तरह से काम किए गए हैं।